समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर पड़ी ईडी की रेड 14 घंटों के बाद अब खत्म हो गई है। ईडी टीम ने इरफान सोलंकी के भाई रिजवान और चाचा पर शिकंजा कसा है। वहीं सपा विधायक के ड्राइवर ने ईडी के छापे पर कई राज खोले हैं। लगभग 14 घंटे तक चली इस छापेमारी में ईडी की टीम ने इरफान के घर, ऑफिस और करीबियों के ठिकानों से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं ईडी टीम ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के ड्राइवर अनीस से भी पूछताछ की है। उनके ड्राइवर ने बताया है कि अधिकारियों ने घर में कई जगह तलाशी ली, घर में रखे सभी कागजातों को अपने कब्जे में लिया है। ईडी की टीम ने इरफान सोलंकी के घर में रखी ईरानी की एक तिजोरी को तोड़ने का प्रयास भी किया था। इरफान के ड्राइवर के मुताबिक उन्हें शक था कि इस तिजोरी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। भाई घर में सब अलमारी खोल के उन्हें चेक किया, कुछ जो कागज उनको समझ में आए ले गए, जो घर के पुराने मोबाइल थे 3-4 वो ले गए। कोई रजिस्ट्री, कोई जमीनी कागज? हाँ, कागज ले गए हैं। लगभग कौन कौन से ऐसे अहम दस्तावेज यहाँ से थी, वो कुछ कागज थे वो ले गए हैं। पूछताछ में आपसे क्या पूछा? हमसे पूछ रहे थे कि पहले पूछा कहाँ गए, हमने कहा भैया आप बात कर लीजिए, हमने बात करवा दिया मैडम से। मैंने कहा भैया जो आपको समझ में आप तलाशी ले लीजिए, जो समझ में तोड़ दीजिए। इरफान की पत्नी से बात हुई है ईडी के लोगों की? अच्छा, तो फिर आपने उनके सामने क्या क्या चीजें प्रस्तुत करी? बैठे रहे वहाँ, उन्होंने जो सब खोल के अपने हाथ से कुछ चेक किया। कोई तिजोरी, कोई अलमारी नहीं, कुछ तोड़ा ताला कुछ निकला, चाबी सबकी थी, चाबी खोल दी। तिजोरी की चाबी मिलने के बाद ईडी टीम ने तिजोरी और अलमारी में रखे कागज, प्रॉपर्टी के पेपर्स और घर में रखे कुछ मोबाइल्स अपने कब्जे में ले लिए। वही इस रेड के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इरफान को जल्द ही जमानत मिलने वाली थी, इससे पहले ही ईडी ने ये कार्रवाई कर दी। ईडी की ये कार्रवाई इरफान की समस्या बढ़ा सकती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पिछले एक साल से जेल में है। विधायक पर महिला ने प्लॉट पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का आरोप लगाया था।